वेतन विसंगति समेत अपनी चार सूत्री मांगों को लेकर विगत 43 दिनों से स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारी संघ हड़ताल पर है। प्रशासन ने इन पर कार्रवाई करते हुए प्रदेश भर में लगभग 2000 स्वास्थ्य संयोजक कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। वहीं स्वास्थ्य संयोजक के प्रांत अध्यक्ष संध्या रानी मोवले पर भी कार्रवाई करते हुए उन्हें भी बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि हड़ताल के कारण डेंगू मलेरिया और अन्य स्वास्थ्य कार्यक्रम पर विपरीत असर पड़ रहा है, जिसके चलते सरकार ने ये कार्रवाई की है। वहीं कर्मचारियों पर सरकार ने 28 अगस्त से एस्मा लगा दिया है। एस्मा लगने और काम में लौटने की चेतावनी के बाद भी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। प्रांत अध्यक्ष संध्या रानी मोवले ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा हुई है, हमें उम्मीद है कि तीज में सरकार हमारी मांग पूरी कर तीज का उपहार देगी। हमारे कम से कम 2000 साथी बर्खास्त हो गए हैं। आज हमारी माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय से सफल चर्चा हुई है, और क्योंकि कल तीजा पर्व है तो आज हम उनसे मिलने गए थे, और हम चाहते हैं कि हमसे अगर कुछ गलती भी हो गई हो और वो नाराज़ हों तो हमने उनको मनाने का आज प्रयास किया है, और अपनी बहनों को तीजा पर्व में अपने जो वेतनमान हम मांग रहे हैं, हम अब जो जीत कर रहे हैं उनसे वो हमें दे दे, ऐसा हम उनसे आज बात करके आए हैं। और शाम को हम शायद शाम तक अगर सीएम हाउस से हमारे लिए खबर आती है तो हम चाहेंगे कि सीएम साहब भी हमें तीजा का उपहार दे दें और हमें अपने घर भेज दें। कल मेरा भी आया है आदेश बर्खास्ती का, मुझे भी बर्खास्त किया गया है। प्रदेश भर में अभी तक के 1.5 से 2 हज़ार लोग हो गए हैं बर्खास्त। 10,500 हमारी संख्या है, उसमें से 1.5-2 हज़ार लोग बर्खास्त हो गए हैं। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लॉग ऑन टू www.clips.in।